हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी 6.6 के सवालों को। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 169 के बिंदुओं, और यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं मतलब दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है 5,12 और दूसरा है 12,-5 पर जो खींची गई स्पर्शियाँ हैं वो परस्पर लंब हैं। इस चीज़ को आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो यानी सवाल के कहने का मतलब है, इस प्रकार से एक वृत्त है और यहाँ पर दो स्पर्शी हैं, ठीक। स्पर्शी का मतलब हुआ कि इस वृत्त से या फिर वक्र दिया हो उससे जो आप स्पर्श करने का मतलब क्या होता है, स्पर्श करने का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना, ठीक। तो जैसे कि अगर वृत्त दिया हो या मान लो कि यानी कि वक्र दिया हो, तो उससे जो रेखा छू कर जाती है वही उसका स्पर्शी होता है। तो सवाल में कहा गया है कि ये जो वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्शी खींचे गए हैं। जैसे कि मान लो एक ये स्पर्शी हो गया और दूसरा मान लो हमने ऐसे खींच दिया, ठीक। तो कहते हैं कि इस पर यानी इस वृत्त पर दो स्पर्शी रेखा खींचे गए हैं और जो ये दोनों स्पर्शी रेखा हैं ये एक दूसरे पर लंब हैं। इस चीज़ को हमें सिद्ध करके दिखाओ। समझ गए ना सवाल को? चलो अब इसको लगाते हैं, कैसे इसको सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रकार से जब भी सवाल दिए हों कि दो स्पर्शियां परस्पर लंब हैं तो उसको सिद्ध करके दिखाओ, तो इनमें बहुत सिंपल सा तरीका होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको M1 और M2, ये M1 M2 क्या होते हैं, M का मतलब होता है प्रवणता, ठीक। जो प्रवणता होते हैं यानी कि दो बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको यानी कि दो बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ पर दो प्रवणता हैं। अब दोनों प्रवणता को, एक को हम M1 मान लेंगे और दूसरे को M2 मान लेंगे, ठीक। अगर M1 गुणे M2 कर दो और वो -1 के बराबर आ जाए तो फिर समझ जाओ कि वो तुरंत आप समझ जाना कि मतलब ये दोनों जो स्पर्शियां हैं वो परस्पर लंब हैं, ठीक। तो लंब होने का जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि M1 और M2 जो है उन दोनों को गुणा करने पर -1 अगर आ जाए तो इसका मतलब वो परस्पर लंब हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले M1 और M2 निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में गुणा करके देख लेते हैं। अगर -1 आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि परस्पर लंब है, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब फिर परस्पर लंब नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करना है तो लगभग आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे M1 और M2 कैसे निकालेंगे, ठीक। तो M क्या होता है, प्रवणता, और प्रवणता कैसे निकाला जाता है, जो भी जैसे कि अगर वक्र दिया गया है या फिर यहाँ पर जैसे वृत्त का समीकरण दिया गया है या फिर आपको वक्र दे दिया जाएगा, मतलब वक्र का समीकरण दे दिया जाएगा, ठीक। तो जो है वक्र का समीकरण या जो भी समीकरण मतलब दिया हो सवाल में, उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से लिख कर इसका आपको अवकलन कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर आपको इसको यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो अवकलन जब करेंगे हम लोग तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो यक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद, लेकिन यहाँ पर आप यक्ष के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पर dx नहीं जुड़ेगा, ठीक। देखो जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो अवकलन, ठीक, उसमें आपको dx नहीं जोड़ना, ठीक। जैसे कि आपने यक्ष के सापेक्ष किया तो यहाँ पर आपको dx नहीं लिखना, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर आप, यहाँ पर यक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है, और आप यहाँ पर यक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 2y, लेकिन इसमें dy/dx जुड़ जाएगा, ठीक। क्यों जुड़ जाएगा dy/dx, क्योंकि यहाँ पर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर यक्स नहीं है, ठीक। और यहाँ पर 169 ये कॉन्स्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा हमारा 2x को हम लोग इधर करेंगे तो ये देखो प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा 2y/dy/dx बराबर में हो जाएगा -2x, ठीक। क्यों -2x हो गया, क्योंकि इधर प्लस में है, जब भी बराबर के उस पार जाएगा तो यहाँ पर यानी पाछांतर करेंगे तो वहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये y क्या है यहाँ पर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर जो dy/dx हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के यक्स इधर बचा है और बटे में, ये भाग का मतलब होता है कि बटे में, ठीक। तो यानी ये आ जाएगा बटे में, तो ये जो dy/dx होता है यही हमारा प्रवणता होता है, यानी यही हमारा m होता है, ठीक। तो इसको dy/dx को हम m लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारा प्रवणता है। अब हमें यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि 5, ये दिया गया है और दूसरा 12, -5 दिया गया है, ठीक। तो ये देखो ये हमारा यक्स का मान हो जाएगा और ये हमारा वाई का मान हो जाएगा, ये यक्स ये वाई हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इस बिंदु को यहाँ पर रख देते हैं इस यक्स वाई के स्थान पर, तो ये हमारा हो जाएगा M1 और जब इसको रखेंगे तो हो जाएगा हमारा M2, ठीक। ये हमारा M है, ठीक। तो
तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे 5,12। ठीक, तो यक्स के स्थान पर हमें क्या कितना रखना है, 5 रखना है, और वाई के स्थान पर इसको लिखेंगे। ठीक, यही हमारा है एम वन। ठीक, इसको हम एम वन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एम वन, यानी कितना हो जाएगा, एम वन आ गया -5/12 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग एम टू निकालेंगे, तो एम टू हमारा कितना हो जाएगा, एम टू लिखें या लिख सकते हैं हम डिवाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है 5/12 -5 बराबर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पर 12 रखना है और बटे में नीचे वाई है, तो वाई के स्थान पर -5 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो हमारा एम टू आ गया वो आ गया 12/5 आ गया। ठीक, तो एम वन और एम टू समझ गए ना कैसे निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं इस पॉइंट को रख देना है, तो हमारे एम वन और एम टू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह की हमें एम वन और एम टू मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परस्पर लंब के लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, परस्पर लंब के लिए। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा एम वन इंटू में एम टू बराबर में, अगर ये आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लेकर चल रहे हैं, अगर ये राइट हैंड साइड में क्या है -1, अगर -1 आ जाता है यानी राइट हैंड साइड आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, यानी एम वन मल्टीप्लाई एम टू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एम वन हमारे पास है -5/12 और एम टू हमारे पास देखो है 12/5 है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को इस 5 से काट देते हैं, 12 से 12 काट देते हैं, तो सब काट गया यानी 1 आ गया और ये माइनस है। ठीक, तो ये हो जाएगा -1, यानी आ गया हमारा राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हो गया सिद्ध। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि इस वृत्त पर ये जो दिए गए बिंदु हैं, इन बिंदुओं से जो स्पर्शियां हैं वो परस्पर लंब है। ठीक, तो आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। चले अब आपको हम सवाल नंबर 1 का बी नंबर बताते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है, यहाँ पर लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि वक्र, ये वक्र दिया गया है, इस वक्र के उन बिंदुओं पर जहाँ पर x/2 तथा x/-2 पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर हैं। ठीक, इस बार आपको समांतर कहा गया है, तो समांतर में क्या होता है, अगर लंब बोले तो आपको m1 × m2 = -1 आना चाहिए। ठीक, अगर m1 = m2 हो जाता है तो इसका मतलब है ये समांतर है। ठीक, तो हम लोग सिंपल से करते हैं, यहाँ पर m1 और m2 निकाल लेते हैं। ठीक, वैसे ही निकालना है जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया था। तो सिंपल से ये हो जाएगा हमारा y = 2x³ - 3। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx = ये 3 आ गया जाएगा, तो 3×2 = 6x² हो जाएगा और बाकी इसका 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले यक्स के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे। ठीक, तो हमारा एम वन आ जाएगा, जब हम लोग यक्स के स्थान -2 रखेंगे तो हमारा एम टू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, इसको हम लोग एम वन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये है और यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2² और ये हो जाएगा 2×2 = 4 और 4×6 = 24, यानी हमारा एम वन आ गया, एम वन बराबर आ गया 24। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे m2, तो m2 या इसको हम बोल सकते हैं dy/dx। ठीक, तो x = -2 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और -2² तो हो जाएगा 6 और 2×2 = 4 हो जाएगा, तो -± + हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 6×6 कितना हो जाएगा 24, यानी m2 भी आ गया हमारा 24 आ गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो m1 = m2। ठीक, तो दोनों m1 और m2 बराबर हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि वक्र के लिए जो दिए गए बिंदु हैं हमारे, उन बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर हैं। ठीक, मैंने बताया कि जब m1 और m2 बराबर हैं तो इसका मतलब वो समांतर हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला नंबर सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर सी। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखो सी नंबर हमारा सवाल है कि जो वक्र दिया गया है, x दिया गया है और ये y दिया गया है, कहा गया है कि इसके बिंदु t = π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, यानी हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या होता है, अच्छा m जो होता है वो हमारा tan होता है। ठीक,
जो टैन थीटा होता है वही हमारा एम ही एम भी होता है, ठीक। तो एम का मतलब हुआ चाहे तो आप एम को डिवाई बाई डी एक्स जो होता है, जब डिवाई बाई डी एक्स होता है तो वही हमारा एम होता है, और टैन थीटा जो होता है ये हमारा एम होता है, ठीक। यानी एम बराबर टैन थीटा भी होता है, डिवाई बाई डी एक्स होता है भी, ठीक। तो ये हमारा एम क्या होता है, प्रवणता होता है। आई होप आप ये सब आप जानते होंगे, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष यहाँ पर इसका आकलन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस में साइन टी है, इसको हम लोग टी के सापेक्ष यहाँ पर इसका आकलन करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे में डी टी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा एक कांस्टेंट हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर टी का जो आकलन हो जाएगा वो एक हो जाएगा माइनस में, और साइन टी का हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस टी, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर वाई बराबर दिया गया है ए वन माइनस कॉस टी दिया है, ठीक। इसको भी हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे तो डिवाई बाई डी टी हो जाएगा, बराबर में ए हो जाएगा, एक का हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर कॉस कॉस का जो आकलन होता है वो देखो माइनस पहले से लगा है, और कॉस का जो आकलन होता है ये भी माइनस में ही होता है, तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। और कॉस का हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रेखा की प्रवणता। प्रवणता हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको और इन दोनों को आपस में भाग कर दें तो टी से टी कट जाएगा और डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा तो वही हमारा एम हो जाएगा, ठीक। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, भाग करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, और डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू तभी निकलेगा जब हम इन दोनों को आपस में भाग कर देंगे। भाग कर देंगे तो ये डी टी से डी टी कट जाएगा, ठीक। चलो इसको हम लोग भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको और इसको भाग करते हैं तो ये हमारा डीवाई बाई डी टी है, इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं इससे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, भाग करने का मतलब बटा, ठीक, बटा का मतलब भागु भागी होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बराबर में, तो इसके स्थान पर यानी इसके स्थान पर हम लोग इसको रखते हैं, ठीक, मतलब ये है तो इसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए साइन टी हो जाएगा, और बटे में इसके स्थान पर क्या है, ये है तो इसको रखते हैं, तो ए वन माइनस कॉस टी हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना, यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर जब बटा के नीचे बटा हो तो क्या होता है, दूसरे नंबर वाला जो होता है वो चौथे नंबर से कट जाता है, ठीक। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डी वाई बचेगा, यहाँ पर डी एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बचेगा, ठीक, बराबर में यहाँ हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और बटे में वन माइनस कॉस टी हो जाएगा, ठीक। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन टू एक्स का, ठीक, क्या होता है, टू साइन यक्स इंटू में कॉस यक्स होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर टू यक्स होता है तो टू यक्स का आधा क्या हो जाएगा, आधा का मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे यक्स हो जाएगा, ठीक। तो यानी टू यक्स का आधा क्या होता है, तो टू यक्स का जो आधा होता है वही इस साइन और इस कॉस का कोण होता है, ठीक। अगर यहाँ पर मान लो साइन यक्स हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, टू, और इस यक्स का आधा क्या हो जाएगा, यक्स बटा टू, तो साइन यक्स बटा टू इंटू में हो जाएगा कॉस भी यक्स बटा टू, ठीक। तो टी अगर यक्स के स्थान में मान लो टी है तो क्या हो जाएगा, टू साइन टी बटा टू इंटू में कॉस टी बाई टू, ठीक, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपल सा टू साइन टी बटे में टू इंटू में कॉस टी बटे में टू, ठीक, ये सूत्र है और कुछ नहीं, ठीक, यहाँ पर। और इसके स्थान पर देखो क्या हो जाएगा, तो देखो एक सूत्र हमारा होता है कॉस टू थीटा बराबर सूत्र होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक, सिंपल सा ये हमारा सूत्र होता है। अब देखो अब हम यहाँ पर ये जो साइन है यहाँ पर जो माइनस में है इसको हम लोग इधर ले आएंगे और इसको इसके स्थान पर कर देंगे, ठीक। तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर में वन माइनस ये हो जाएगा कॉस टू थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग बटे में कर देंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक। अब यहाँ पर इतना समझ लो, यहाँ पर टू थीटा होता है तो यहाँ पर इसका ये जहाँ पर ये जो कोण है ये क्या होता है, आधा होता है, किसका आधा होता है, इसका आधा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो टी है, अगर टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी बाई टू, तो ये सूत्र हमारा बन जाएगा नया साइन स्क्वायर टी बाई टू बराबर में वन माइनस कॉस टी,
टी बाई टू यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि ये मतलब इसका ये कोण क्या होता है, आधा होता है, तो ये t है तो ये t बाई टू हो जाएगा, अगर ये 2t होता तो ये सिर्फ t हो जाता, ठीक। तो ये हमारा सूत्र है, सूत्र आप समझ लेंगे, ठीक। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक। अब देखो ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ये भी देखो साइन टी बाई टू है और ये दो है साइन टी बाई टू, तो एक ठेस कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बटे में साइन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट टी बाई टू हो जाएगा, ठीक। और ये इधर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और देखो सवाल में ध्यान देना, सवाल में जो दिया गया था टी के स्थान पर यानी पाई बाई टू दिया गया था, ठीक। सवाल में शुरू में जो सवाल आप पढ़ना उसमें दिया गया है टी के स्थान पर आपको टी बाई टू रखना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यही हमारा प्रवणता हो जाएगा, यानी यही हमारा एम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना है, टी के स्थान पर पाई बाई टू रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट और यहाँ टी के स्थान पर हो जाएगा पाई बाई टू और टू देखो यहाँ पर पहले से था ये टू हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल से यहाँ पर कॉट और ये हो जाएगा पाई बटे में दो दुना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो हमारा एम हो गया वो क्या हो गया, कॉट पाई बाई फोर। पाई बाई फोर का मतलब होता है 45 अंश, तो कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है, तो ये हो जाएगा एक, यानी प्रवणता हमारा कितना आ गया, एक आ गया, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके बाद मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगली वीडियो बता देंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमें वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाना, और अगर आपने फॉलो नहीं किया है अभी तक तो आप सब लोग वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें, और अगर आप कोई भी क्वेरी होता है तो आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।